हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार माय डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है ऑन दिस सिक्सटीन जनवरी सोमवार के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन के अंदर दोस्तों क्या आपने अभी तक सभी मॉड्यूल देख चुके हैं अगर हाँ बहुत अच्छी बात है और अगर ना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा समय निकालिए और इसको दे, देख लीजिए बिकॉज इसके अंदर जो छोटी छोटी छोटे छोटे कंसेप्ट हम आपके साथ रेगुलरली डेवलप करते हैं वो आपको साल भर में अपनी करंट अफेयर के नॉलेज को इंप्रूव करने में मदद करेंगे दोस्तों इसके साथ आपको हमारा ये कोर्स जो करंट अफेयर का ये मॉड्यूल है जिसका ये पी डी एफ से हमारे कोर्स में मिलता है क्या आपने उसको ले लिया क्या नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिए ठीक है ले लिया है अच्छी बात है कैसा लगा है ना वहां पे फीडबैक दीजिए वहां पे रेटिंग करिए ठीक है अपने दोस्तों को स्प्रेड करिए इस नॉलेज को ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठा पाए सोलह जनवरी का आज का सेशन आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है ठीक है इसको बिल्कुल यूज करिए क्या बात करेंगे हम आपके सामने आज आज बात करने वाले हैं नेवी पर्सोनल आठ रिटायर्ड नेवी पर्सोनल हु आर इन जेल सॉलिटरी कंफाइनमेंट इन कतार उसके बारे में बात करेंगे है ना पर्सनल लॉ और चाइल्ड मैरिज विच इज ए स्टेच्यूटरी लॉ उसके बीच में क्या लड़ाई होगी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन इकोनॉमी का मुद्दा हम आपके सामने उठाने वाले हैं इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है किस बात का प्रोटेस्ट है वो देखेंगे भारत में गेमिंग इंडस्ट्री काफी डेवलप हो रही है और उसके रिलेटेड जो लॉ है ठीक है वो थोड़े अभी तक स्ट्रांग बने नहीं है ठीक है हम उसके बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया अबाउट हेट स्पीच हम उसके बारे में भी आपके साथ बात करेंगे हेट स्पीच ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हेट स्पीच ठीक है इनसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है ठीक है गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है अगेंस्ट इलीगल मनी लेंडर मैं आपके सामने इसलिए यह बात करना चाहूंगा कि आपके एरिया में कहीं पे आपको दिख रहे हैं क्या ये इलीगल मनी लैंडर्स ठीक है किस तरीके से ये पूरा एक से चिट्ठा डेवलप होता है और लोग किस तरीके से इसका गलत यूज करते हैं और फिर लोगों को सुसाइड करने के लिए मदद कर लेते हैं मतलब कंपेयर कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के आर्गुमेंट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उठाई थी उस बात को और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों ये रेगुलरली मुद्दा बनने वाला है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और उसको कहीं रोकना तो पड़ेगा है ना और ये रोकेगा कौन? क्या, इसको रोकेगी? नहीं। क्या लेजिस्लेचर इसके बारे में कुछ बात करेगा ऑब्वियसली नहीं ठीक है कौन रोकेगा या तो मीडिया इसके बारे में बहुत क्लियर कट शब्दों में कुछ बोल दे या तो फिर जुडिशरी आके कुछ बोल दे तो होगा ना नहीं तो ये एग्जीक्यूटिव कुछ न कुछ तो बोलते ही रहेंगे ये सर नो एन आउट वुमेन्स मॉडेस्टी व्हाट डज आईपीसी से दिस इज कनेक्टेड टू दैट पी गेट स्कैंडल एयर इंडिया के अंदर जो एक बड़ा पंगा हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे चलिए दोस्तों एक एक करके मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ते हैं ठीक है कतार के अंदर है ना ये मुद्दा हुआ क्या देर आर एट रिटायर्ड दोस्तों ये रिटायर्ड थे ठीक है दे आर रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स थे ठीक है आठ लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया है कतार ने और जब से उनको जेल में डाल के रखा है तब से उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है ठीक है ये बड़ी प्रॉब्लम है चार महीने हो गए इस बात को अब इनको पकड़ा क्यों है ठीक है कतार ने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है कतार ने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है ये रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे दे वर वर्किंग इन कतार इन वन ऑफ द एजेंसी इन अ सिक्योरिटी एजेंसी एंड देवर गाइडिंग पीपल ठीक है अबाउट सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज ये बहुत कॉमन एक काम होता है ये नेवी लोगों का या आर्मी के लोगों का जब वो रिटायर हो जाते हैं तो ये ज्यादातर इसी तरीके के काम में इन्वॉल्व होते हैं ये सनो तो ये कोई मतलब गलत काम तो था नहीं और जब ये काम कर रहे थे जब ये 2019 से काम कर रहे थे तब 2019 में ये कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये चमक रहे थे उनमें से एक पर्सन को इंडिया का प्रवासी भारतीय दिवस अवॉर्ड भी मिला गया था ठीक है और कतार के गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ एक दो अवॉर्ड देने की कोशिश करी थी तो ये सब सिनारियों हो रहा था आठ लोगों को सही तरीके से काम हो रहा था ऐसा तो दिख रहा था अचानक से कतार ने ये आठ लोगों को पकड़ के जेल में डाला कतार क्योंकि एक आयरन कर्टेन कंट्री है है ना एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं ठीक है ये कतार के जो आमिर दिख रहे आपके सामने है ना नामीम हमाल अल थानी ये कतार के आमिर है कतार आपने देखा ना फीफा के समय पे जिस तरीके से उन्होंने लोगों को पकड़ के काम करवाया फोर्सफुली काम करवाया तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ तो है ठीक है हावेवर इंडिया और कतार के अच्छे रिलेशनशिप है अगर हमारे साथ दुश्मनी का रिलेशनशिप होता तो अगर ये सब एक्टिविटी होती तो हम ये समझते कि ये पंगा किस बात का है हमें कंस्यूलर एक्सेस तो जरूर मिला है कंस्यूलर एक्सेस का मतलब होता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स या इंडिया के ऑफिशियल्स हु आर इन कतार दे कैन हैव एक्सेस To this और ये जो नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है ना ठीक है आप समझ सकते है रूल ऑफ लॉ भारत जैसे देश के अंदर अगर है तो कितना महत्वपूर्ण है ये समझिए आप रूल ऑफ लॉ के बगैर एक देश चलाना आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए सिटीजन्स के लिए कितनी बुरी बात बन जाती है ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने समझ में आ रहा है ना दोस्तों चली बढ़िया तो अब इंडिया इन लोगों के साथ जब काम करता है दैट इज कतार के साथ काम करता है तो ये एक किस से किस तरीके से दिक्कत जैसे आप देख रहे हैं ना मोदी साहब बिल्कुल हाथ मिलाकर प्यार मोहब्बत से बातें ठीक है जब फीफा का इनोग्रेशन हुआ तो हमारे यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट साहब उस इनोग्रेशन में गए थे ठीक है कतार में गए थे तो इंडिया की तरफ से रिलेशनशिप तो अच्छे हैं है ना जयशंकर साहब भी अभी जाने वाले हैं तो यह भी अच्छे रिलेशनशिप की बातें हैं ठीक है थीके, तो कतार के साथ ऐसा क्या हो गया कि भैया ये दिक्कत आई क्या यह नुपुर शर्मा का केस की वजह से हुआ नुपुर शर्मा का जो केस हुआ जहां पे उन्होंने हेट स्पीच दी थी उस हेट स्पीच के बाद सबसे ज्यादा बोलने के लिए जो आगे बढ़कर आया कोई कंट्री तो वो था कतार और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत इमीजिएट एक्शन लेकर गवर्नमेंट ने बहुत इमीडिएट एक्शन लेकर नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया बीजेपी में से निकाल दिया ये ये सब एक्टिविटी एक्टिविटी हुई ना ठीक है सो डिप्लोमेटिक के नज़रिए से इंडिया ने बड़े अच्छे एक्शन लिए पर कहीं ना कहीं कतार का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहा है चार महीना हो चुका है ठीक है और हम इन नेवी के लोगों को हमारे पास लेके आ नहीं पा रहे ठीक है थेके? और इसके बारे में बहुत बातें होती नहीं है ठीक है अखबारों में बहुत कम अखबारों में इसके बारे में बातें होती है तो हम आपके सामने ये मुद्दा उठाकर लाए थे करंट अफेयर के दूसरे मुद्दे अब हम चलते हैं इज़ अबाउट पर्सनल लॉ वर्सेस चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट व्हाट आर द इश्यूज बिफोर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यह मुद्दा डेवलप हुआ है ठीक है अक्टूबर टू में जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पंद्रह साल की लड़की नॉट पंद्रह साल सॉरी हाफ ईयर की लड़की जो करीबन छब्बीस साल के एक लड़के के साथ भाग गई लड़का तो नहीं बोलना चाहिए पर भाग गई ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ओल्ड मुस्लिम मैन के साथ ये भागकर शादी कर ली ठीक है उनके घर वालों ने केस ठोका है ना उनके घर वालों ने केस ठोका ठीक है और जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस ने क्योंकि ये लड़की माइनर थी तो उसको है ना डिटेन कर दिया कि भई उसको ले लिया कि आप ऐसे शादी थोड़ी कर सकते हो फिर वो लड़के ने कॉर्पस का आरोप मतलब रिट पिटीशन दाखिल करा जब उसनेटिशन दाखिल करा तब यह बात पहुंची हाईकोर्ट तक हाईकोर्ट ने बोला कि द गर्ल एज पर पर्सनल लॉ विच इज मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शी इज यून से इंडिपेंडेंट शी इज एंटाइटल्ड टू टेक हर डिसीजन ठीक है ये हाई हाई कोर्ट कोर्ट ने कहा। हाँ कोर्ट ने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मद लॉ बाय सर दिन शाह फरदून जी मुल्ला के जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा व्हाट इज अपेसिटी ऑफ अ मैरिज इन अस्लिम लॉ इन मुस्लिम लॉ

अब उसके ऊपर हम दो मिनट में बात करते हैं पॉबर्टी एज का मतलब क्या होगा और किस नजरिए से उसको इंक्लूड किया जाएगा दूसरा कंडीशन लगाया ल्यूनेटिक्स एंड माइनर्स हैव नॉट हुई मे बी वैलिडली कॉन्ट्रेक्टेड टू मैरिज बाय देर रिस्पेक्टिव गार्जियंस उनके गार्जियन उनका मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किन के लिए ल्यूनेटिक्स एंड माइनर्स अटेन पॉबर्टी नंबर थ्री

ये मैरिज एक्सेप्टेबल है ठीक है हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा ये मैरिज एक्सेप्टेबल है ठीक है तो दोस्तों अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा है कि भैया हम इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं और जब हम इस पिटीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो उस समय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट विल नॉट बी एक्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट टू एनी अदर यू कोर्ट, कोई भी कोर्ट में उसको प्रेसिडेंट की तरीके से नहीं लिया जाएगा हम उसके बारे में जजमेंट देने वाले हैं प्लीज नोट किया जाए ठीक है तो ये समझ में आया आपको है ना अब बात ये बड़ी मजेदार है कि चाइल्ड मैरिज एक स्टेच्यूटरी प्रोविजन के द्वारा आता है दो का एक्ट है जिसके द्वारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के द्वारा ये चाइल्ड मैरिज का प्रिवेंशन किया जाता है ये स्टेच्यूटरी लॉ है Can statutory law enter into the personal law, or whether the personal law has a legality with respect to this issue of minor girls' marriage? Ye ek bada mudda ho hai. Can personal law and custom?

भारत में डेवलप होने वाला है ठीक है दोस्तों ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में बात है ठीक है चाइल्ड राइट्स के बारे में बात है और चाइल्ड राइट्स के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मुद्दा भी क्रिएट होगा क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो इस तरीके के अधिकार हैं, उनको कंट्रोल किया जाए उसको रिड्यूस किया जाए जा, तो दैट इट अ पॉलिटिकल पार्ट साइड हमें वो भी समझना बनता है एज अ लॉ स्टूडेंट है ना हम उस पॉलिटिकल आस्पेक्ट को भी समझने के काबिल होने चाहिए पर साथ में हम इस लीगल मुद्दे को समझेंगे मेरा ऐसा मानना है कि लीगली है ना मेरा पर्सनल ओपिनियन के बारे में मैं बात कर रहा हूं लीगली चाइल्ड मैरिज है ना शुड बी बैंड ऑल एक ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ठीक है पार्लियामेंट विच इज रेजिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन फ्रॉम एटीन ईयर टू ट्वेंटी वन ठीक है तो दोस्तों ये रेजिंग मैरिज एज इज इनफ और नॉट नाउ दिस इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ़ सोशल एस्पेक्ट हमने एक और मुद्दा उठाया था कुछ समय पहले जहां पे हमने आपके साथ ये बात करी थी कि क्या इस तरीके की एज को बढ़ाना चाहिए तो ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है जहा पे गर्ल्स मैरिज मतलब दे आर रेडी टू तो मैरी एंड दे वॉन्ट टू तो मैरी ठीक है तो उस समय पे अगर ये एज ऑफ मैरिज जो बहुत कम होती है अठारह साल होती है ठीक है है ना अगर उसको अठारह साल रखते हैं तो इट इज़ गुड है ना इट इज़ बेनिफिशियल ट्वेंटी वन करने से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ठीक है थीके? कुछ जगह पे बेनिफिट होता है कुछ जगह पे बेनिफिट नहीं होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटी है वहाँ पर पक्का बेनिफिट और वहाँ पर इस अठारह साल का कोई महत्व ही नहीं है ठीक है पर जहाँ पर एजुकेशन नहीं है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर ही अठारह साल का महत्व बहुत बड़ा है ठीक है उसको 21 करके उन गर्ल्स के लिए ऑल द मोर प्रॉब्लम क्रिएट करना इज नॉट रियली अ गुड आइडिया हम आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स बना के लाए हैं ठीक है इसका जैसे एक नया बैच हमने अनाउंस किया था वो ऑलरेडी चालू हो चुका है दैट्स अ न्यू बैच वी आर कमिंग अप विध आज उसका अनाउंसमेंट आने वाला है प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट ठीक है दोस्तों इन्फ्लेशन बॉस

आपको दो परसेंट से छह परसेंट के बीच में इन्फ्लेशन को मैनेज करना है और इन्फ्लेशन ये क्रॉस कर गया था 7%, 8 की तरफ अब दिसंबर में ये इन्फ्लेशन रहा वेरी गुड है ना जो अच्छी बात है जो हमारे दो से इन्फ्लेशन so, कहीं मॉडरेटली कंट्रोल कहीं, तो हुआ कंट्रोल क्यों हुआ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हमने टाइट करवा दी ये रेपो रेट दिए ठीक है अलग अलग तरीके की चीजों को हमने और स्ट्रिक कर दिया था कि क्रेडिट आसानी से ना मिले लोन आसानी से ना मिले पैसा इजीली अवेलेबल ना हो जाए तो इसके वजह से हमने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया सही है ना चलो बढ़िया सॉरी जिसके वजह से हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दिया और मॉनिटरी पॉलिसी टाइट कर दी अब इसके वजह से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल आ गया बहुत अच्छी बात है अब आती है बात क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से इकोनॉमी को कोई नुकसान हुआ यस ठीक है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से हमेशा नुकसान में रहता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी क्यों ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नुकसान में रहता है आसानी से क्रेडिट मिलती नहीं है जब आसानी से क्रेडिट मिलेगी नहीं तो भाई इन्फ्लेशन सॉरी इकोनॉमी को तो पंगा होगा ही होगा ना ठीक है आसानी से पैसा मिला नहीं तो भैया ग्रोथ कैसे होगा ठीक है अब ग्रोथ को दिक्कत होने वाला है ठीक है ग्रोथ को दिक्कत होने के लिए वैसे ही पूरे वर्ल्ड में जो रिस्ट्रिक्शन का माहौल चल रहा है वो एक बड़ा फैक्टर जिम्मेदार तो है ही साथ में ये एक बड़ा नया फैक्टर आ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से ये सुनो तो ये एक दिक्कत तो क्रिएट करने वाला है तो पूरे साल भारत के लिए ग्रोथ एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है हम इस मुद्दे को देखते रहेंगे आपको समझ में आया ना दोस्तों इन्फ्लेशन महंगाई का दर होता है इन्फ्लेशन क्या नंबर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट आर करती है और इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट जब आर करती है दैट इज थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी बन के आती है हर दो महीनों में मतलब साल में छह बार आती है और ये मॉनीटरी पॉलिसी कमिटी बिठाई जाती है जो इसका काम करती है क्लियर है चलो बहुत अच्छी बात है जराइल में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों हम आपके साथ बहुत बार बात करते हैं कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर तीन बड़े पिलर होते हैं और तीनों तीन पिलर के पास बहुत बड़े बड़े पावर है इन पावर के अंदर एक तरीके से सेपरेशन होना चाहिए एक होता है लेजिसलेचर जिनका का काम है टू मेक द लॉ दूसरे का काम है एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ तीसरे का काम है जुडिशरी टू अपहोल्ड द लॉ तो जुडिशरी एक तरीके से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी एक तरीके से है ना उसका काम है अपहोल्ड द लॉ करना विच मीन्स लॉ को प्रोटेक्ट करना ठीक है ये उसका काम है अब मानो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले ले उसका इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दे ठीक है तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है क्या प्रॉब्लम होता है जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान है ना फिर जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या जो पावरफुल लोग करते हैं उनको कोई ना कोई तरीके से तो आसानी से एक इनसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा ना फिर क्योंकि जुडिशरी आपके इंडिपेंडेंट नहीं है तो अपने छठे टर्म के लिए जब आए इसराइल के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर बतौर प्राइम मिनिस्टर जब आए उन्होंने सबसे पहला बड़ा हल्ला कर दिया दैट जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस था वो उन्होंने हटाने की पूरी कोशिश कर ली है और कर भी दिया है जिसके लिए पब्लिक हैप्पी नहीं है ठीक है बेनियामिन नेतानिया हूँ एक राइट विंग कोएलिशन के मेंबर बन के आए हैं जुडिशल रिफॉर्म लेकर आए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पावर ये रिड्यूस करने के बारे में बात हो रही है जो इज़राइल है उसका तेल अबीब करके जो उसका कैपिटल माना जाता है ठीक है वहाँ का जो मेन स्क्वायर है वहाँ पे इतने सारे लोग का लोगों का जमावड़ा हो गया प्रोटेस्ट करने लगे कि इस तरीके के जो रिफॉर्म आप लेकर आए हो वो अच्छी बात नहीं है वो डिमांड करते हैं कि जुडिशियरी को वापस अपने पावर में लेके आई है बहुत जरूरी है दोस्तों है ना ये बिल्कुल नोट किया जाए भारत में भी एक वाइस प्रेसिडेंट साहब है जो जुडिशरी के पावर को करटेल करना चाहते हैं जुडिशरी के पावर को ये बोलना चाहते कि जुडिशरी के पास ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नाम का पावर नहीं होना चाहिए और जो भी पावर है सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होना चाहिए ठीक है ये उनका कहने की बात हो रही है तो जो मुझे लगता है कि सही बात नहीं है है ना उनका कहना है कि देर इज टू बी पार्लियामेंट्री ये एक बड़ा डिबेटेबल इश्यू है जो आप अपने लॉ स्कूल में जाकर और डिबेट करोगे पार्लियामेंट्री सुवरिंटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस ठीक है आप किसके लिए हो बताइए दोस्तों है ना आप किसके तरफ हो है ना आपको अगर इसके बारे में छोटा सा ऐसे लिखना हो आपको अगर तीन चार पॉइंट इसके बारे में बोलने हो आप लिखिए ना दोस्तों बताइए ठीक है क्या आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रति हो या पार्लियामेंट्री सोवरिटी के ऊपर हो ठीक है दोस्तों पार्लियामेंट्री का जो लेजिस्लेशन बनाया जाता है इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन इज जुडिशियल रिव्यू इनको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये सन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है भैया कोई भी लेजिस्लेशन अगर कोई भी यू कैन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो उसको बोलेंगे कि भैया रुक जा तू फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता हम ज्यूडिशल रिव्यू के द्वारा तुझे रोकेंगे सो दिस इज वन वे वी कैन स्टॉप लेजिस्लेचर फ्रॉम डूइंग दर एक्टिविटी अनदर वे वी कैन डू इट यू कैन से दैट इज यू कैन से जब कोई अमेंडमेंट के द्वारा लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को है ना बेसिक फीचर को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता है किसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है बेसिक फीचर्स को ठीक है तो दोस्तों ये बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो रोक सकते हैं जुडिशियल रिव्यू कम्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर थर्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही सेफ है पर जो दूसरा बेसिक फीचर वाला जो सेफ गार्ड है दैट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कमिंग फ्रॉम केशव नंद भारती का केस 1973 में बनाया गया था यह महत्वपूर्ण केस 1973 का और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 13 जज की बेंच बैठी थी और उन्होंने कहा कि जो भी अमेंडमेंट है क्योंकि वो लॉ नहीं है ठीक है तो इसने वो आर्टिकल नंबर थर्टीन के द्वारा तो आ नहीं सकता जुडिशियल रिव्यू में आ नहीं सकता लेजिस्लेचर के पास पूरा पावर है जो लॉ चेंज करना चाहे जिस तरीके से amend करना चाहे कर सकते पर दे कैन नॉट चेंज द द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो एक तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस और पार्लियामेंट्री सोवरिटी का यह बड़ा बैलेंस चलने की बात हो रही है और यहां पे जगदीप धनकर साहब मेरा ऐसा मानना है कि कुछ गलत मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं और यही मुद्दा यहाँ पे डेवलप हो रहा है इन इसराइल क्लियर है दोस्तों समझ में आ गया चलिए ग्रेट चलते मुद्दे के ऊपर भारत जैसे देश के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 आया जिसके द्वारा है ना जो ग्लोबल आ, इंडिया का गेमिंग मार्केट है इट इज गोइंग टू रिच टू 8.6 बिलियन यूएस डॉलर बाय आज की तारीख में वो 2.6 बिलियन डॉलर का है इतना बड़ा ग्रोथ होने वाला है ऐसा कहने की बात हो रही है व्हिच इज गुड बहुत अच्छी बात है ये एक इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी नई-नई दुनिया क्रिएट होगी अच्छी बात है और उसमें हाईएस्ट शेयर ऑफ शेयर्स ऑफ गेमर्स आर कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज बिकमिंग द टॉप डेस्टिनेशन टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन अब हाँ, उत्तर प्रदेश से तो ये डिमांड हो रही थी कि भैया ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये बच्चे जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अब वो क्या गेमिंग में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं क्या वहां पे अपने आप को अपनी एनर्जी को अपने समय को क्या नष्ट कर रहे हैं बताइए दोस्तों क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं और क्या आपके दोस्त ज्यादातर गेमिंग में व्यस्त हैं बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में है ना दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रुशियल लखनऊ कानपुर वाराणसी गाजियाबाद अलाहाबाद नॉच है ना तो दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखेगा गवर्नमेंट टू एंड स्पीच दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट सेड सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन रही है कि जब रिलीजियस फ्रीडम रिलीजियस हारमोनी एंड ऑर्डरली प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन और उस ऑर्डरली प्रोग्रेस हारमनी और फ्रीडम को रोक लगाई जाती है बाय सर्टेन पीपल टू ड्राइव दियर एजेंडा बाय पुटिंग हेट स्पीच हेट स्पीच इज बिकमिंग टूल्स टू पेडल सर्टेन काइंड ऑफ एजेंडा और इस एजेंडा को रोकने के लिए क्या सरकार कुछ कर रही है यह बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि 2021-22 में 2021 और 22 के अंदर हमारे यहाँ पे 580 केसेस आए हेड स्पीच वाले 580 स्पीच आए उनमें से 160 केसेस तो सो मोटू थे हमने खुद ही लिए थे सेल्फ मोटिवेटेड थे ठीक है उत्तराखंड के पास ऐसे 118 केसेस आए बराबर है तो अब इस मुद्दे के ऊपर बात हो रही है ठीक है दिस इज वेर मेन मुद्दा विच इज कमिंग गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया हम ये नहीं चाहते कि आप पूरे के पूरे उसके ऊपर हावी हो जाओ बट इन सर्टन एरिया वेन रिलीजियस फ्रीडम रिलीजियस हारमोनी ऑर्डरली प्रोग्रेस विच इज यू कैन से गेटिंग ग्रेवली अफेक्टेड इट इज योर ड्यूटी टू कम अप आप नहीं आओगे गवर्नमेंट तो कौन आएगा देर फॉर द बग स्टॉप्स विथ द गवर्नमेंट टू एंड दी हेड स्पीच बताइए गवर्नमेंट जी आपने कोई एंकर को कोई पैनलिस्ट को आपने रोका टीवी के ऊपर कुछ गलत बोलने के लिए दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी महत्वपूर्ण बात है भारत में आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा बताई गई बातें कि हर बंदे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है विच इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल टू एन एंकर टू अ प्रेस टू डीलिंग विद न्यूज आइटम्स इंक्लूडिंग मी फ्रीडम बट उस फ्रीडम के नाम के ऊपर कोई अपना गलत एजेंडा ड्राइव करता है अगर गलत एजेंडा ड्राइव करता है तो बिल्कुल गलत बात है ये नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दिल्ली पुलिस ठीक है टू फाइल एफिडेविट लिस्टिंग स्टेप्स देव टेकन अगेंस्ट एट स्पीच और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था सो मोटू लेना चालू कर दो ये बिल्कुल सही बात है सेल्फ मोटिवेटेड कहानी चालू कर दो भैया

इसको बिजनेस के तरीके से करेगा है ना और उसने अपने आप को रजिस्टर किया होगा तो लीगल है पर अगर आप बिजनेस करते हो इस मनी लेंडिंग का और अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करते हो आपके पास लाइसेंस नहीं है एंड यू आर नॉट रेगुलेटेड बाय द अथॉरिटीज तो भैया आप इलीगल मनी लेंडर हो और गुजरात में एक बड़ी ड्राइव चल रही है ठीक है करीबन एक ऐसे 700 से ज्यादा प्राइवेट मनी लेंडर्स को पकड़ के जेल में डाल के रखा हुआ है और प्राइवेट मनी लेंडर्स लोगों की हालत खराब कर देते हैं, because they charge lot of money. ठीक है? है ना? देतेमेंट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हेरेजिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर मनी बट मेंटल हेरेसमेंट फिजिकल हेरेसमेंट सेक्शुअल और ये रेट उनका बहुत ज्यादा होता है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बारह बारह परसेंट के आज और पंद्रह परसेंट बाजू बोला है 12 security, security, 15 पे जाते और परसेंट डेढ़ परसेंट ये जो छोटे छोटे सब्जी वाले लोग होते हैं ना उनके साथ तो बहुत ज्यादा रहता है आज के दिन का उसको पांच हजार रुपया दिया और बोला शाम को साढ़े पांच हजार देके जाना विच मीनस पर पर का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और ये सूरत सूरत, में, बड़ा मामला चला है, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, सरकार बिल्कुल तैयार हुई है, और सरकार उसके ऊपर काम कर रही है तो ये न्यूज इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको पता होना चाहिए मनी लेंडर के बारे में इलीगल मनी लेंडर बोलते हैं और आपके एरिया में क्या इस तरीके से इलीगल मनी लेंडर है कि नहीं करंट अफेयर का अपडेट नंबर सेवन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर के अपडेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल सिनारियो पेरू में प्रोटेस्ट चल रहा था इसके बारे में आपसे बात करी थी ये सनो है ना बहुत समय से चला एक वीक हो गया ठीक है और अब यहाँ पे माचू पीचू विच इज कंसिडर टू बी वर्ल्ड में जो सात अजाईबी चीज को मानी जाती है ना जिसके अंदर अपना ताजमहल आता है वैसे पेरू में माचू पीचू आता है और वहां पे जाने के लिए एयरपोर्ट का प्लेस है कस्को उस कस्को के ऊपर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है तो बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा है तो दोस्तों बताइए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे पेरू के लोग मैंने आपको समझाया था, था। वहां पे एक प्रेसिडेंट को हटाकर नए प्रेसिडेंट आए थे और फिर कुछ बातें हुई थी है ना बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आपको पता है कि नहीं ठीक है ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन वाज फाइन फॉर फाँ 1.6 मिलियन डॉलर का इनकम टैक्स फ्रॉड के उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया है है ना और साथ में बाइडेन साहब भी फंसे हुए हैं बाइडेन साहब के यहाँ पे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे है ना तब उनके ये उनके घर से कुछ ऐसे इलीगल से पेपर पाए गए थे अब क्योंकि प्रेसिडेंट है फिर भी उनके यहाँ पे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिले उनके एक फार्म हाउस है वहाँ से सीक्रेट पेपर मिले हैं अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप दर्ज तो हुए नहीं है उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रॉबर्ट हर करके भाई साहब है वो स्पेशल काउंसिल बनाए गए जो इस पूरी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उनके घर से जो पाए गए उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं दोस्तों एक नया न्यूज uh, आया था तो मैंने सोचा आपके साथ बात कर लूँ है ना आपको पता होना चाहिए वॉट इज अ पाइनेपल एक्सप्रेस वॉट इज पाइनेपल एक्सप्रेस पाइनेपल एक्सप्रेस इज अ स्पेसिफिक एटमोस्फेयरिक रिवर क्या बात करो एटमॉस्फेरिक रिवर ये क्या होती है सर एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब हो गया हवा से जो तेजी से जो पानी आता है बहुत सारा पानी आता है बहुत सारा बारिश आता है ठीक है सो स्पेसिफिक एटमोस्फेरिक रिवर एटमोस्फेयर से जो पानी आता है बहुत सारा पानी आया बहुत सारा से क्लाउड आया क्लाउड के द्वारा जो पानी आया जो बारिश हो गई उसको बोलते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस वेर द जेट स्ट्रीम डिप साउथ इन टू ट्रॉपिकल पैसेफिक नियर हवाई बिफोर कैरिंग वार्म मॉइस्टर नॉर्थ एंड ईस्ट एक्रॉस दोशन ठीक है तो यह पूरा का पूरा वार्म पानी लेकर जाती है और वो इतना सारा पानी लेकर जाती है इट इज लाइक अ रिवर एटमोस्फेरिक रिवर ठीक है और वो फिर लेकर जाती है पूरे अमेरिका में बहुत बारिश लगाती है समझ में आया दोस्तों क्लियर है चलो बढ़िया ये है एयर इंडिया का इंसिडेंट हम इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा बोले नहीं थे पर अब हम आपके सामने बात करेंगे शंकर मिश्रा जिनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने एयर इंडिया में ट्रैवल करते समय अमेरिका से इंडिया में आने वाली फ्लाइट में उन्होंने उनके को पैसेंजर एक एल्डरली वुमन थी उनको आ, उनके ऊपर यूरिनेट कर दिया था तो उसके ऊपर वो आरोप है ठीक है ओके एंड उनके ऊपर आरोप है ठीक है कि उन्होंने ऐसा किया तो अब शंकर मिश्रा ने सामने आरोप लगाया कि वो लेडी ने खुद से यूरिनेट किया था चलो अब ये तो लड़ाइयों की बातें हैं लड़ाइयों की बातों के अंदर जो लीगल मुद्दा है वो हमें समझना है शंकर मिश्रा जी के ऊपर आरोप क्या लगेगा आरोप लगेगा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन अंडर आईपीसी आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन

से हार्म करने वाले हो कॉल्ड दसोल्टेन से क्रिमिनल फोर्स का मतलब हो गया कि विदाउट कंसेंट ऑफ़ अदर पर्सन, आप कोई फोर्स यूज़ करते हो, ताकि उस बंदे को इंजरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आया दोस्तों ठीक है शब्दों के द्वारा समझ लेते हैं जेस्चर और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग

ये जो ऑफेंस हमने बात करी जो सेक्शन 354 के अंदर है ठीक है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है विच मींस अ पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एनी वॉरेंट कॉग्निजेबल इट इज नॉन बेलेबल इट मीन्स नॉट अ राइट ऑफ एन अक्यूज इट इज ग्रांटेड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जज इट इज अ नॉन वेलेबल ऑफेंस एंड इट कैन बी ट्राइड बाई एनी मैजिस्ट्रेट ये so ऑफेंस yeah, है ठीक तो है तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ अ क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको करने की कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी में तो बोला नहीं है पर व्हाट डू मीन बाय मॉडेस्टी ऑफ वुमन मॉडेस्टी ऑफ वुमन इज हर सेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स एंड आउटरीच टू फीमेल मॉडेस्टी ठीक है इज क्लियर कट डिफाइंड एज एन एसेंशियल पार्ट टू आर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर किसी ने है ना, किसी वुमन को पुल करने की कोशिश करी फिजिकली अपने प्रति तो पूल करने की कोशिश करी पुष नहीं लिखा है पुल ठीक है तो आपने उसके मॉडेस्टी को आउटरीच किया है आप उसकी साड़ी को रिमूव कर रहे हो ठीक है याद करिए महाभारत का केस व्हिच इज विद द आउटरेजिंग मॉडस्टी वाज वाज द क्लियर कट एग्जांपल ठीक है रिमूविंग हर सारी कपल्ड विथ अ रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है विद इन नॉलेज दैट हर मॉडस्टी माइट बी आउटरेज आउटरेज इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस यस और नो ठीक है तो दोस्तों ये मॉडस्टी की बात है आजकल वो बड़ा गाना फेमस हुआ है ना ठीक है व्हिच इज घोड़े पे सवार है ना ठीक है क्या उसके लिरिक्स है एक बार मैं नोट कर लूँ मतलब मैं मैं ढूंढ लूँ कि घोड़े पे सवार के एक क्या एक तरीके से आ, एक मिनट में देख लूं घोड़े पे सवार करके जो बोला है है ना उसके लिरिक्स है उसको अगर हम समझे ठीक है तो भैया यहाँ से ये समझ में आता है किस तरीके से एक मिनट अब हाँ आया घोड़े पे सवार वाला कला गाने का ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट वन ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कोई कैसे उन्हें यह समझाए सज, सजनिया के मन में अभी इनकार है जाने बलबा घोड़े पे क्यों सवार है धीरे धीरे जतन करने से दुल्हनिया के खुलते हृदय के द्वार है सो so बेसिकली ये थोड़ा एक मजाक के तरीके से लिया गया है ठीक है थोड़ा एक आ, हिंट है टू वर्ड्स सजनिया जो है वो बाद में तो हां बोलेगी पर अभी तो ना है ना अभी तो इनकार है ठीक है कोई कैसे बताए कैसे उन्हें ये समझाए कैसे कि उसके मन में अभी भी ना है ये ना का मतलब ना होता है ठीक है बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों ये मॉडेस्टी आउटरीच करने के बारे में जो बातें हैं इसको समझना बड़ी महत्वपूर्ण बात है ठीक है ये गाना भी इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ कनेक्टेड है तो इसको समझिएगा आप इज दैट वेरी क्लियर टू एवरी चलिए बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है बड़ा अच्छा सेशन रहा होगा तो दोस्तों फटाफट हमें टेन में से पॉइंट दे दीजिए कैसा रहा आपका सेशन आज का पसंद आया कि नहीं ठीक है और दोस्तों साथ साथ में प्रो टैलेंट को बता दीजिए ठीक है कि भैया आपको ये टेन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा है ना वो भी आप बताइए और साथ में अगर आपका कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो वो भी बता दीजिए और ये कोर्स लेना भूलिएगा मत ये करंट अफेयर का जो कोर्स है ना वो फ्रीली अवेलेबल है दोस्तों उसका डायरेक्ट लिंक हमने दिया इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो लेना भूलिएगा मत ओके थैंक यू हैव अ गुड डे